चीन की बड़ी बात। चीन ने अपने टाइप 071 एम्फीबियस असॉल्ट शिप पर लेजर हथियार को तैनात कर दिया गया। इसे अमेरिका, भारत समेत कई देशों के लिए खतरे का संकेत माना जा रहा है। इस तरह के हथियारों में अभी तक चुनिंदा देशों को ही महारत हासिल थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। कुछ महीने पहले जापान ने भी लेजर हथियारों का सफल टेस्ट किया, लेकिन अब ये जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में इसे अपने किसी युद्धपोत या फिर जमीनी प्लेटफॉर्म पर स्थापित नहीं कर पाया है। लेजर हथियारों की डिमांड आज के समय में काफी ज्यादा हो गई है, खासकर लाल सागर में हूतियों के ड्रोन हमले के बाद। इन सस्ते ड्रोन को मार गिराने में ये लेजर हथियार बेहद कारगर होते हैं। आइए इस मसले पर डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शरदेंदु ने क्या कहा, सुनते हैं। आज की डेट में युद्ध भूमि में तमाम तरीके के वेपन्स, टेक्नोलॉजी, नए वेपनरी का इस्तेमाल हो रहा है। लेजर वेपन भी उसमें एक कड़ी है। रिसेंटली चाइना ने अपने एम्फीबियस असॉल्ट शिप में लेजर डेजिग्नेटेड वेपन को माउंट किया है। इसमें हाई एनर्जी बीम को टारगेट पे डेजिग्नेट किया जाता है। टारगेट इसको एब्जॉर्ब करने की स्थिति में नहीं होता है, लिहाजा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है शिप के अगेंस्ट, एरियल प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट, मिसाइल के अगेंस्ट, इस तरीके के टारगेट पे किया जाता है, जिससे उसके सेंसर को पूरी तरीके से वो बर्बाद कर देता है और अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें कई तरीके के हाई एनर्जी जो लेजर बीम है उसका इस्तेमाल होता है, जिसमें 30 किलोवाट और 60 किलोवाट है। और इसके मुख्यतः जो टारगेट हैं बेसिकली एंटी ड्रोन, रडार सिस्टम, सेंसर सिस्टम, इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है।